सब्सक्राइब करें मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको हर वक्त पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको हर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका ए सी चलते चलते वक्त बंद हो जाए तो इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। तो आइए, अच्छा जी दोस्तों, हमने जो ये कंप्रेसर की जो सेंटर के अंदर प्लेट लगी हुई है इसको हमने खोल देना है, क्योंकि जब एसी ज़्यादा टाइम गुजार लेता है तो कंप्रेसर का वर्क के साथ साथ कंप्रेसर का लाइफ भी कम हो जाता है। तो हमने इसकी सेंटर वाला प्लेट है ये निकाल लेनी है। जब हमने अंदर से इंडोर को चेक कर दे तो इंडोर सही हमें हवा दे रहा था लेकिन ठंडी नहीं दे रहा था। जब हम ऊपर कंप्रेसर के पास आ गए तो जब हमने कंप्रेसर के ऊपर हाथ रख दिया तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हुआ था। तो इस वजह से हमने ये जो सेंटर वाला प्लेट है ये निकाल लेनी है ताकि कंप्रेसर के ऊपर ठंडी ठंडी हवा लगे और कंप्रेसर हमारा ठंडा हो तो कंप्रेसर ट्रिप ही नहीं होगा। अभी यह अंदर जो सेंटर वाला प्लेट लगी हुई है ये कंपनी इसके साथ लगाती है लेकिन उस टाइम पे एसी नहीं होते। अब वक्त के साथ साथ कंप्रेसर का लाइफ भी कम होता जाता है और बिजली भी अप डाउन होने की वजह से कंप्रेसर हीट होने का पार्ट आता है। अभी हमने इसको ऑन करके आपको दिखा देने कि भाई ये कैसे काम करता है। अगर आपका भी एसी भी इस तरह कर रहा हो तो आपने को भी इस तरह करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जो इसके जो ढक्कन वाले नट स्क्रू है इसको हमने बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर देनी है। अगर ये लूज़ होंगे तो फिर ये हमारा जो आउटडोर है ये शोर करेगा। इसको हमने अभी बिल्कुल टाइट कर देनी है और इसको अभी हमने ऑन करके चला के आपको एम्पेयर भी चेक कर देनी है कि भाई कितना एम्पेयर ले रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, मैंने अभी लड़का को